हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो सब? आज मैं थोड़ा सा शेयर लेकर हुई हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं वैसे ही बाहर। इतने दिनों से घर में थे तो सोचा कि बाहर शहर जाएं और सारा ब्लॉग बनाएंगे। अभी फिर हम बाहर जाके फिर मैं तुम लोगों को रास्ते का भी ब्लॉग दिखाऊंगी कि हम क्या करते, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं। बस ये कि हम सब बाहर जा रहे हैं, मैं थोड़ी तैयार हूँ तो वो भी फिर हम, और जैसा कि मैं कवर में खड़ी हूँ और फिर अभी हम चलते हैं और फिर हम देखते हैं क्या है। और मुझे है क्या बहुत मज़ा आएगा। तो फिर मैं वैसा ये होता है कि मैं शुरू करती हूँ ब्लॉग, फिर मैं गाय बजे थी पीछे से, लेकिन आज देखना है मैं सारा ब्लॉग खुद कर डन, तो अभी चलते हैं। पहुँच चुके हैं शाह फैसल मस्जिद और यहाँ से इतना ही प्यारा व्यू आया। इतना भी आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, लेकिन उससे पहले मैं इधर क्यों आई हूँ? मैंने कहा मैं इधर आ गई हूँ तो अब मैं इधर, मेरे जो पेपर है बोर्ड की पेपर, उसकी मैं दुआ भी मांग के जाती हूँ कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नंबर आ जाए। तो मैं कहती हूँ फिर तो ब्लॉग ही लग ठक टक। अच्छा अभी मैं आप लोगों को उसका बैक भी दिखाती हूँ कि वो कितना प्यारा लग रहा है। उधर मैंने फुल लाइटिंग वगैरह लगाई थी और बहुत मज़े का व्यू मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है शाह फैसल मस्जिद और ये पाकिस्तान की दिन सेकंड बड़ी मस्जिद है। और अच्छा इस इतनी रश इतना ये प्यारा व्यू लग रहा है, इतना शायद वीडियो में नहीं आ रहा होगा लेकिन फेस टू फेस इतना मज़े का लग रहा है ना। अभी मैं आपको प्रॉपर अंदर जाके भी दिखाती हूँ क्या सीन है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है फैसल मस्जिद का। अब हम पहुँच चुके हैं और अभी हम यहाँ पे देने लगे हैं जूते हमने सब जमा कराने हैं, तो अब हम देंगे जूते। महिमा ये दे जूते। तो आप बात अब ये है कि ये है सारा अभी व्यू, यहाँ पे सारे जूते वगैरह जमा होते हैं एंट्रेंस पे। ये है मैप, ठीक है, फैसल मस्जिद का। तो ये नाइस, इतनी छोटी है नहीं जितनी तो लग, हाँ इतनी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। जैसे अंदर जाते हैं तो फिर वैसे वैसे आपको बता। ये एक ऊपर जाने का रास्ता है, ये ऊपर जाने का रास्ता है और भाई ऊपर जाओ उतरो एक ही बात है, दोनों है, टू वे है। तो चामिस के साथ चलते हैं, दिखाओ फॉलो मी। तो अब हम इसको ही फॉलो कर लेते हैं, तो देखते हैं हमें कहाँ लेके जाती है। अगर आप सही सही ना दिखाया ना तो फिर बताऊंगी, सही सही बताना है आप। तो ये वॉशरूम, ठीक है, खवातीन लेडीज के लिए, सिर्फ खवातीन के लिए, यानी कि तुम जेंट्स हो वैसे भी। वो जो क्या कहते हैं जो स्टेशनरी शॉप वगैरह होती है उस तरह की, जैसे कि अक्सर मरी में भी होती है, ये वो है, बोलना भी नहीं आता, मतलब जो वो पुरानी वो किताबें बड़ी होती हैं इस्लामी जो आगे आ जाता है, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये है लाइब्रेरी और नेक्स्ट सही वाली, ये इतना, तो ये सारा नमाज पढ़ने की जगह, ठीक है। तो आप मस्जिद में फिरी हैं, दुपट्टा सर पे लें, बार बार आपका दुपट्टा उतर जाता है। अच्छा इधर हम आगे आते हैं, आगे चलो, कैमरा यहाँ पे है, बहुत आगे चलो। तो
हम यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, सारे रास्ते ऊपर जाने के ही हैं। अब यहाँ से हम ऊपर, यहाँ से भी हम ऊपर जाते हैं। ठहर जाओ, ये सारा है, ये वाला यहाँ पे सारा नमाज पढ़ने की जगह है सारी, ठीक है। ये सारी वुजू करने की है, और वहाँ से हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से भी हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे, और पहले सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। नहीं नहीं, यहाँ से तो हम ऊपर जाएंगे ना अभी। हाँ जो। थोड़ा आगे चलो और थोड़ा ऊंचा बोल। तो फॉलो करते हैं हम महिमा को और देखते हैं ये कैसे आपको गाइड करती है, कैसे बताती हैं सारी। This is the swimming pool, जिसमें पानी खाली है, मतलब जिसमें आप पैसे कम लगते बैठे, तो मेरे ख्याल यही होता है। और ये देख, यही वो फुवारा सा क्या कहते हैं उसको, भूल जाती हूँ ना, जो भी है ये वो है। मैं तो नहीं बताऊँगी। ठीक है, वो है, मैं आपको बताती हूँ जी, ये बताती है। यहाँ से ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो ये ऊपर की बताओ, सारा वुजू का एरिया जहाँ पे ये सारा वुजू का एरिया है, और ये सारा वुजू का एरिया और सारा नमाज पढ़ने की जगह है। सो जा रही है महिमा ऊपर, जा रही है। थोड़ा आगे चल, बहुत ही आगे चली गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं व्यू, और हाँ वीडियो में इतना नहीं आ रहा होगा फॉर श्योर, लेकिन वीडियो में वाकई इतना प्यार नहीं आ रहा है जितना ओरिजिनल ये प्यारा लग रहा है। अंधेरा हो गए तो वो उस तरह नहीं कैप्चर हो रहा, लेकिन सो लेट्स गो। अभी हमने क्या किया कि महिमा की पिक्चर ली, हाँ थंबनेल के लिए। तो और बाकी आप देखते हैं महिमा आपको कैसे आगे तक लेके जाती है, आगे फिर आती है। तो पीछे पीछे उधर जाकर, एक तो वाकई वहाँ यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ ऊपर का। ये सिर्फ है सारा ऊपर का ओवरव्यू कि इतनी रश है। बाकी महिमा चलो बताओ आगे सारी कौन कौन सी जगह है। चलो यहाँ से यू पूरा राउंड लेके जाते हैं वहाँ। थोड़ा ऊंचा बोले, इसका अंदर वाला एरिया वो है ना, हमें उस साइड पे जाना चाहिए। आ जाओ, तो हम यहाँ से चले जाते हैं ना राउंड कर। तो गाइस आप देख सकते हैं रात के टाइम फैसल मस्जिद का व्यू, पाकिस्तान की सबसे, नहीं ना बताने दो ना, पाकिस्तान की, मैं ये इंटरनेशनल फॉरेन लोगों को बता रही हूँ कि पाकिस्तान की सेकंड, हमारा लोग देख लें तो बड़ी मेहरबानी है उनकी, देख लेंगे। तो ये पाकिस्तान की अभी कोई कंफर्म, मेरे ख्याल से ए मैं कंफर्म करूँगी, फर्स्ट है। हाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी, पहली बड़ी मस्जिद है जो कि सऊदीया वालों ने बनाई थी, शाह फैसल ने, और उसके नाम से ये मस्जिद रखी गई है। और जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वो भी सऊदीया के अंदर है, तो वो भी सऊदीया वालों ने ही बनाई थी। तो ये भी, और बहुत कैमरे में छोटी आ रही है। मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि अभी कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, बातें भी कर रहे हैं, कुछ नमाज भी पढ़ रहे हैं, अभी हम अंदर नहीं गए, और इतनी रश है, मैं खुद सोच नहीं सकती इतनी रश हो सकती है। फुल भरा हुआ है, जरा कैमरा मारो तो बाकी सर, ये देख सकते हैं आप, फुल भरा हुआ है इस टाइम, कॉन्फिडेंस वाला बंदा इस टाइम इधर व्लॉग कर, और वाकई लोग हमें ऐसे देख रहे हैं कि कोई गुनाह कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम एक रिस्पेक्टेड वे में पूरी मस्जिद का व्लॉग शूट कर रहे हैं। अच्छा, अभी कोई हम चलते हैं, लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जरा दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला जी मेरे पेपर आ जाए। माशाल्लाह। अच्छा मैं ये बता रही थी, आज मैं अंदर जाने लगी हूँ, तो ये अंदर जाने लगी हुई। हाँ नमाज हो रही है, ईशा की नमाज हो रही है, नहीं मगरिब की हो रही है। टाइम बताओ,
देखिए इस टाइम टाइम हो रहा है 7:42। तो यहाँ पे इस टाइम मगरिब की नमाज हो रही है, ईशा की नमाज नहीं हो रही अभी। ईशा की नमाज होती है अप्रोक्सीमेटली 9 बजे तक। हाँ, तो यहाँ पे अभी ईशा की मगरिब की नमाज पढ़े हैं लोग। सीन ये है 19 का मेरा रिजल्ट था रॉयल फिंडी बोर्ड का, जो कि कैंसिल हो गया है, और वो अब आई थिंक 31 को अभी तक तो यही डेट आई है। कैंसिल होकर अच्छी बात है, शायद इसीलिए कैंसिल होता है कि मैं दुआ मांगूँ। हाँ, अभी मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था अपने नंबर्स का, मैं उतनी दुआ मांगूंगी, बस मैंने इतने नहीं आ गए, मैं एक ज़्यादा ना आई है, एक कम है, बस अभी चलते हैं दुआ मांगने। तो अभी दुआ मांगती है और मैं आपको उसकी वीडियो हल्की सी क्लिप दिखाती हूँ इसकी दुआ मांगने की, फिर मैं आपसे और मैं भी दुआ मांग लेती हूँ, देन उसके बाद फिर आप आपसे मिलते हैं। गाइस महिमा लेके दुआ मांग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ ये दुआ मांगते हुए, आप इसको दुआ मांगने दें, मैं भी दुआ मांग लूँ, फिर मिलते हैं। ऊंचा भी हैं और उनको वो शायद हमें ढूंढ रहे हैं कि हम किधर गए हैं, अभी हम जाकर उनको थोड़े डराते हैं, अगर गालियां पड़ रही तो अब मामा में करने लगे मम्मा के ऊपर प्रैंक, और मम्मा को नहीं पता कि हम हैं, तो लेट्स गो, हम महिमा जा रही है। तो जी अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, मस्जिद से बाहर की तरफ, और उसके बाद आई थिंक हम कहाँ जा रहे हैं वो भी कंफर्म नहीं है अभी, उसका भी जाके देखते हैं। बहुत प्यारी मस्जिद थी, सारा टूर करवा दिए हमने आपको, बातें सारा टूर ही हो गया। अब हम बाहर चलते हैं, वहाँ से अपने पकड़ते हैं जूतियाँ वगैरह जो हमने रखवाई हैं, जो वो रख लेते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर मैं बता दूँ कि हम अगला क्या करें। तो लेट्स गो, हम वापस आ गए। जी बोले आप, शूटिंग दा टोकरी जूतें दा बास्केट, बास्केट दा जूते, जूतें दा टोकरी जूतें दा पांव, शूटिंग दा लैक, लैक दा जूते, जूतें दा पैर, पैर इन दा शूज। थैंक यू। तो जी आपने सुन लिया, तो आपने देखा है कि ये जो ये बोल रहे थे ना, ये कह रहे थे कि ये एक उर्दू का वर्ड है जिस जो किसी को नहीं पता होता, तो ये उर्दू इसका मतलब ये है कि जूते पहन लो अपने। तो मैंने इन्हें बोला कि आप अगेन रिपीट करें और मैं व्लॉग बनाती हूँ इसका, तो इन्होंने फिर बोला वापस, और फिर इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैंने कहा थैंक यू, तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे चैनल का नाम अपने बता दें, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा चैनल। तो फिर मैंने इन्हें अपना इनको अपने चैनल का नाम बताया, और फिर अब मैंने इनको एक कार्ड पर लिख के दिया अपने चैनल का नाम, क्योंकि शायद वो ना समझ पाते अगर मैं बोलती, तो फिर मैंने उनकी आसानी के लिए उनको लिख दिया। तो फिर जो है अब्बा सब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं सेवर, और इसका तो ये कोई हाल नहीं है ना, ये तो आधे पे छोड़ देती है व्लॉग को, तो अभी हम आ गए हैं सेवर में, और जहाँ पे 24 घंटे रश लग गया, मतलब कि नॉन इतने लोग हैं आगे पीछे हर जगह लोग होंगे, इतना इंटेलिजेंट हो रही है, व्लॉग बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम व्लॉग के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, तो तब तक के लिए।